बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अब एक बात बताओ कि अगर वाकई में तुम्हें पक्षपात करना हो, मैंने नंबर गाया, अब तुम खुद समझदारों को एक नंबर में सबकी फरमाइश पूरी नहीं कर सकता कोई कलाकार, मेरी तो औकात का कोई नहीं कर सकता है। एक नंबर में पल्लंग दे बाबा कह रहे हैं कि बैठता भी नहीं, बैठता भी लगाओ तो बुकाई छोड़ दे। अब एक बात बताओ, मेरी मैंने अपनी तरफ से रसिया रखा जो चल रहा है, चौकड़िया रसिया रख देता मैं, मेरी कोई बुना कमीना, चौकड़िया रसिया नीरस कर देता है दंगल, शुरू से ही पुलवामा रख देता तो सारी रात नीरसता का दंगल होता। मैंने अपने हिसाब से नींब को जमाने की कोशिश की। और आपने सुना नंबर, ऐसी बात नहीं है, यहाँ बहुत होशियार लोग बैठे हैं। वो छल कूद कर रही है, बड़ी उछल रही है, तो हकीकत बात जी है, ऐसी सुन ले, हमारे नाटिया जना आती जनानी ने बोलवे की बुना आती मैं, हमारे जब हम में दम आते हैं तो फिर तू का ही बोले हम डंडा वाय आता है ना हम। अब इधर से छंद लड़ा रहे साहब, अब पलंग पे कह रही है ऐसो बाबर ना आए जा आगरा, सुने हम ऐसे बाबर ना आए, हम तो जैसी ठीक करवे भाई बाबर, अगर तू आज हमने बाबरी करके अगर राय न धरी तो बेटी हमारा नाम शंभू बागड़े ना है फिर। अब फैसला तुम्हारे हाथ में, एक प्रश्न रखा था मैंने और कहा भी था कि यदुवंशी हार गए यानी कृष्ण भगवान के नाती पोते, कृष्ण भगवान भी हार गए तो बजरंग बली ने आकर उसको मारा है। पलंग ते लल्लू कह रहा बहुत बड़ो ज्ञानी है कि वो माँ वो भीष्म जी ने वो माया कवच दे दो, और बाम भीष्म जी कहां ते आ गए, हम कह रहे हैं यदुवंशी ने की चलत कहा खुद किशन हार के जेई बात है कछु और। अब जवाब है गो यार, जवाब तो बहुत दूर, तुम धुन तो गा नहीं सकते हो, तुमने गाई जिनने तुम्हें ये पूछ रहा हूं। अब दूसरी बात, एक रसिया रखा मैंने के बज के कूदियो है जे काली देह में आए, बज के कूदियो है जे काली देह में आए, और जो मारियो है कृष्ण ने लातन ते कालिया नाग तो बेटा काली देहमी रहे, तो मैं कह रहा हूँ बज के कूदियो यानी कहीं बाहर से आया है, और मैं कह रहा हूँ एक भाई तो भगवान श्याम ने मार दो और एक अपने आप मरे को आत्महत्या कर ली। पल्लंग कह रहा हूँ कालिया नाग वो इतना बड़ा बाबर चूतिया तो मी तो दिख रहा हूँ, कालिया नाग की बात है तो सूदी सूदी दे दूंगा। जवाब है भैया, अब आगे ते मारो पीछे ते मारो, अगर ते तीने और चार लंगते न मरवाई हमने ना तो फिर रसियाबाजी बेकार है, देखेंगे शुरुआत देखे। और हाथ जोड़ के निवेदन ये है, चार जने भेजेगा गिलौंदपुर ते चार जने, हालांकि गिलौंदपुर में मेरे प्रेमी बहुत हैं, पर चार आदमी गिलौंदपुर ते ऐसे शिकायत पढ़ाए के भेजे, वो कह रहे हैं जा थूक की बात कहेगी, अब ईमानदारी बात बताइए डोरा घुसाए में ना लगाते ही डोरा जो करते हैं ना करते ही, और आंख में हकीकत बात है छोटो छेद है तो आंखे में लगातार काउ चीज पे देखो तो आंखे ने पाई ने निकल तो मेरी गारंटी है बड़े बूढ़े आदमी निकल तो करा है, माहौल खराब कर रहा है मेरा और कछु ना है, परे आप लोगों का आशीर्वाद है आज नकोटे ने फुला दे तो हम भी जाट से पैदा नहीं कर भंगी तो कह रही हूँ। देख ओ मीर भाई कहना है एक राय वालों की आदत है, देख अब ये छंद लड़ारी बड़े रहो और ये छंद आगारी और भरी रहो, अरे तो पे रोक्यो अरे तो पे रोक्यो जाए तो रो, और ये छंद
पर मैं तो खूंटा को दऊं। और इधर से भैया की तरफ से आ रहा है अर्जुन, कह रहा है बातें सुन के आपकी भी समझ ही रह गए हो दंग। अब दंग तो भी समझ ही रहना चाहिए कि तेन सिकंडी चढ़ा रहा क्यों है भी समझ ही काई। एक बात बताओ, तू काई दंग है रो, तेन तो वैसी ही जड़ा सामने चढ़ा रहा क्यों। और तू का कह रही कि खोदा था पेड़ बैंगन का और मूरा निकला, अरे हमने भी आधा घुसेड़ा था पर पूरा निकला, और बोई थी सलजम पर सफेद वाला मूरा निकला। अब देख कहना है अब ये भर गए नैना नीर से, अब ये भर गए नैना नीर से, और तेरो सिथल, अरे तेरो सिथल भयो है अंग, और तेरो सितल भयो है अंग, अरे अंग, अरे अंग, अरे एक, अरे कोई एक रथ पे दोनों चढ़े और तू तो नचाए रहो है। इधर से दिकड़ी आई तकू निशाना मन में जाना, और दिल में यही समानी है और है जाए अमर कहानी है। भाई बहुत बड़ो नाम कर दो है ना, एक तो आधे जनाने ले के तू वो पे चढ़ो जा रहो भीषम बाबा का कहना है, और वो कह रहो अमर कहानी है जाई, बड़ो तू तीरंदाज अमर कहानी भाई बड़ो। अब कहना है देख, अरे कोई ऊके जमाना तीर ये ताना, और कोई हुई थी जमाना तीर है आना, अरे कोई ऊके, अरे कोई ऊके जमाना तीर ये ताना, और ये कायरता की निशानी है, और ये कायरता की निशानी है, अरे ये कायरता की निशानी है। और ओम बीर भाई, अरे मरने, अरे कोई मरने का डर नहीं है मुझको, ये बाबा भीषम कह रहे हैं, अरे कोई मरने का डर नहीं है मुझको, और ये दुनिया आनी जानी है, और ये काल नहीं है मुझको, दुनिया आनी जानी है, मरने का डर। और कहां गई लप्पो आज तू अंटा में तो परी है, अरे जाके संग में बंध जाए, अरे ठेले, और जाके संग में बंध जाए, ठेले जाके, अरे ठेले, तुम दो ना को खेल, अरे तुमको मैं तुम दो ना को खेल, अरे प्यारी बड़े चांद पे दे, प्यारी बड़े चांद पे दे, अरे प्यारी बड़े चांद पे दे, अड़ो से खंडी प्यारी बड़े चांद पे दे, और ओम बीर भाई, जनता ने और कमेटी ने फरमाइश की थी कि मलार जरूर होनी चाहिए, ये अनौड़े की मंच और ये गुबरारी की मंच ऐसी है कि मलार को ज्यादा पसंद करते हैं, तब कहने पे गाई मैंने, जाए तो म्यू जान तू, और ये तो डेढ़ सिलेंडर हुआ भाई,
सावन को और भादो सावन को और फागुन को दोनों को मजा दे रहा हूँ जाम का मैंने गलत तो कर दो कजू तो लगाइयो ना मासा पलंग ते कह रहे बहन के लौड़ा अब जाए बहन के लौड़ा ये देख लंदा वही सो देखी जाए आज की रात जाके लौड़ा ये सुधर करो पहले खुजापति डोले फूबरिया जाय का बीमारी है गई है जाय कहा बीमारी है गई है जाय कहा बीमारी है गई है का गई अरे तू खुजापति अरे तू खुजा बड़े ठमका मार रही दारी जा ठमका को ना मालूम ध्यान रखियो ना जाको नहीं एक ही झटका में नौ महीना को साफ किताब पक्को है एक ही झटका में देख अरे तू खुजापति डोले फूबरिया तू का बीमारी है गई है और तू खुजापति डोले फूबरिया तू का बीमारी है गई है तेरो कजू भरोसा देना है कहू जाए के संग कहू भाई के संग अरे तो एक का बीमारी है गई है आशा तुम कहो तो कह दूं सा अरे जाए का बीमारी है गई है और अरे यारन के दोना चाट चाट के खसम से न्यारी है गई है यारन के दोना और वो न
नए नोटन की बात कछु और है। जेई बात आई बूढ़े बावन की चोटन की बात कछु और है। और बोटन की बात कछु और है, नोटन की बात कछु और है, बूढ़े बाबा की चोटन की बात कछु और है। तो देख जवाब कहते हैं इसे अगर वाकई में समझ में आ जाए तो सिर्फ प्यार चाहूंगा। कहना है चार भाई मेल में, अरे चार भाई मेल में चौपर के खेल में तोड़वारी गोटन की बात कछु और है। कोड़वारी गोटन की बात कछु और है, कोड़वारी गोटन की बात कछु और है। गुरुदेव आप तो हमारे गुरु हैं, विप्र अखाड़े से तो हमारे भाई हैं। अरे तोड़वारी गोटन की बात कछु और है, तोड़वारी गोटन की बात कछु और है, अरे तोड़वारी गोटन की बात कछु और है। चौपर चौपर तो जानते होंगे, चौपर में अगर तोड़ है जान तो कहे तो भाई लल्ल है जानते हो, तोड़ ना होती तो वो लल्ल ना होती। रहो देख अरे तोड़वारी गोटन की बात कछु और है। और देख और तालियों का प्यार चाहूंगा अगर वाकई में समझ में आ जाए। देख तोड़वारी गोटन की बात कछु और है, अरे वैसे तो प्यार सभी करते हैं चेहरों से, अरे वैसे तो प्यार सभी करते हैं चेहरों से, पर किसके लिए, अरे किसके लिए होटल की बात कछु और है, किसके लिए होटल की बात कछु और है, किसके लिए होटल की बात। और देख तेरा एक काफिया नहीं कटने दूंगा, ये होता जवाब, ये जवाब नहीं होता। मैं कह रहा हूँ गए किसन के होते और गए हार नाती पोते, बस पलंग ते कह रहा हूँ माया सुरो ते अम्मा तो ना आई गऊ। देख अरे किसके लिए होटन की बात कछु और है, किसके लिए होटन की बात कछु और है, किसके लिए होटन की बात कछु और है। और देख काय की बात कछु और है, अरे किसके लिए होटन की बात कछु और है। और देख अरे रोज पकवान खाए उब जाते हैं लोग मोटे मोटे रोटन की बात, मोटे मोटे रोटन की बात कछु और है, मोटे मोटे रोटन की बात कछु और है। अरे मेरी भाभी, अरे मेरी भाभी आगे थे, देख अरे मेरी भाभी, अरे मेरी, अरे मेरी, देख अरे मेरी भाभी, मेरी भाभी पीछे ते ना मारूंगो आगे ते मारूंगो। ओ मेरी भाभी, ओ मेरी भाभी, अरे मेरी भाभी पीछे से ना मारूंगो आगे से डारूंगो। हाँ जी भैया, शंभु भैया जऊ की बात हकीकत आओ, जऊ की मत कह दियो के पलंग ते पहले नंबर पर चढ़ के आ गए भाई साहब। कहना पाई नाने का तू का थूकते ना लगा था, पिचकारी पिचकारी की बात चल रही है के, और भाभी नाराज रह रही है। तो देवर कह रहा है भाई आप तो होरी में भाभी, भाई पीछे तो न मारूं आप तो लूंगो तो आप तो लूंगो। कैसे कहते देवर के नाए, ओ मेरी भाभी, ओ मेरी भाभी, अरे मेरी भाभी अरे पीछे से ना मारूंगो, पीछे से ना मारूंगो आगे से। ओ कछु कह लेते जाते नेक जाते पे लल्लू डेंग मुंह मैं भूल जाऊंगा तुका बावर आदमी। कहना है देख अरे पिचकरा की मोटी धार है जाएगी यार पार, रंग तो पे मेरो ये कर सूत जावेगो, रंग मेरा तो पे ये कर सूत जावेगो, रंग मेरा तो पे ये कर सूत जावेगो। अरे पिचकरा की मोटी धार है जाएगी यार पार, रंग तो पे मेरो ये कर सूट जावेगो, रंग मेरा तो पे ये कर सूट जावेगो, रंग मेरा तो पे ये कर सूट जावेगो। अब कू तो कौन ते कू यार बड़ा बड़ा हुआ माने हो तो कू जंत का कू जंत दे। अरे रंग तो पे मेरो ये कर सूट जावेगो, और देख अरे जोर जबरदस्ती में
में होली की मस्ती में ज्यादा आना कहानी कर रही तो काम का होगा बता दू भैया। अरे जोर जबरदस्ती में होली की मस्ती में भाभी तेरे लहंगा को नारो टूटी, भाभी तेरी लहंगा को नारो टूटी जावे गो, भाभी तेरे लहंगा को नारो टूटी जावे गो। अरे अरविंद भैया उधर से कह रहे हैं कि मार दूंगा बहन के लोणन ने, तो वसुदेव जी फिर कह रहे हैं भैया देख, अरे मेरे सारे सांची में तोते कह दूं, अरे मेरे सारे सांची में तोते कह दूं। अब देख कहा लल्लू, ओ लल्लू तुलसीदास हाँ निकाल ले दांत ने बहुत इनामों काम कर दो ना माया सुर है देख, अरे मेरे सारे सांची में तोते कह दऊं, और देख कह तो तेरी बहन में दे दऊं। गलत मत समझियो महाराज जी, कह तो तेरी बहन में दे, यानी जी तेरी बहन में तो दे दूं, पर तू मेरी बात है मान जा, चिंता मत करो चाचा झटक ही का आया हूं मैं। देख कहना है अरे अंधे के हाथ में सौंप दो रेवड़ियां, अपनों में बांटने की आदत न जाएगी, अपनों में बांटने की आदत न जावेगी, अपनों में बांटने की आदत न जावेगी। अरे बचपन से जो झूठ बोलना सीखा, हर बात से नाचने की आदत न जाएगी, हर बात से नाचने की आदत न जावे, हर बात से नाचने की आदत न जावेगी, हर बात से नाचने की आदत न जाएगी, आदत न को चाटने की आदत न, झूठने को चाटने की आदत न जावेगी, झूठने को चाटने की आदत न जावेगी। और एक बात और कह रहे इधर से कि जनकपुरी से पहले धनुष कहां तोड़े तो सुने, यहां विद्वान लोग बैठे हैं, जनकपुरी से पहले राम जी ने नहीं लक्ष्मण जी ने तोड़े परशुराम के आश्रम पे बचपन में, शेषनाग अवतारी लक्ष्मण जी ने ऐसे कई धनुषों को तोड़ा है परशुराम के आश्रम में। अगर वाकई में हकीकत बात है तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, किसी लोगों ने ऐसी बात नहीं है, यहाँ विद्वान लोग बैठे, बचपन में लक्ष्मण जी ने तोड़े के ना, जोरदार तालियों का प्यार दिया जाए बाबा को। देख अब कहना है अरे मेरे सारे सांची में तोते कह दूं, कह तो तेरी बहन में दे दूं, कह तो बहन में दे दूं, ले जइयो जाकू सौ ले जाइयो जाकू सौ।
सट भी लगावा सा कहना है। फिर बाबा भीष्म कहने लगे, अरे थाम लिया है दामन एक नामर्द का। ओ मीर भाई, अपना अपना तरीका होता है गाने का, आप उस तरीके से गा रहे हो, मैं उस तरीके से गा रहा हूँ, है दोनों बैठता भी नहीं पर देख। अरे थाम लिया है दामन एक नामर्द का, और कहानी लपो लपो, चार साल थे तो सीताराम बाबा तू पूछ रही नहीं, आज शंभू के मार बड़ो सीताराम बाबा तुम्हें याद आएगा बैठ तो तू जो कह रही कर रसिया गायबो सीखो। अरे यार डर के मार तुम्हारी एतः सी, अरे चार साल से तुम पूजनीय बाबा को पूछ नहीं रहे हो, आज शंभू से दंगल आया तो सब बैरक खाड़ो खट्टो है क्या है, हार जाऊं मुझे कोई गम नहीं है, पर सुन तेरे अंदर मैंने डर देख लिया, मैं खुश हूं कहना है देख। अरे थाम लिया है दामन एक नामर्द का, अरे रण के नियमों की तुझको फिकर ही नहीं, अरे वीर रणभूमि में अरे बार अड़के करे, अरे तुझ में दीख है वो मुझको जिगर ही नहीं। अरे रण में सदा रहो है, अरे अखिल में सिवारे से लगाया ही दोहू नैन। कहना है पलंग ते लल्लू जवाब दे रहो है, कह वो कालिया नाग हो तो बेटा कोशिश करियो फिरे। कहना है देख, अरे कसमा सूट पहन के देख, ओ ये चिकना सूट पहन कर चाली के करवाएगी ताऊ जी। अरे चिकना सूट पहन कर चाली के करवाएगी, ओ गोरिये बोली चल जावेगी। को गलत तू गयो लड़ाई,
अरे को झूठ बोल रहे जातन पे अरे असिया को सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कालिया को तो सिर्फ भगवान श्याम ने सजा देकर यानी फन पे नाच कर सजा देकर उसको मतलब उसका अभिमान दूर करने के बाद उसको छोड़ दिया मारा नहीं है मारा तो नहीं है के? अरे नहीं कालिया मारो श्याम ने नहीं कालिया मारो श्याम ने देख सजा छोड़ो है छोड़ो है और दे अरे देख सजा छोड़ो है अरे जाय के जमुना जीने भीतर बाको मोह तोड़ो है बाको मोह तोड़ो है अरे बाको मोह तोड़ो है या बाको मोह तोड़ो है जाय के जमुना तोड़ो है और दे बापू नागिन ने अम्बे बापू नागिन में मेरे भैया रे बापू नागिन में अरे बापू नागिन ने लियो देख बचाए अरे को झूठ बोल रहे जातन होते सीताराम बाबा गुरुदेव आप जावा तो कैसे भूल गए के जाट जाट मारा के मारा करता तो मेरी जान भी जाट वो तुम जाट है तुम बड़े जाट है मैं छोटा जाट हूं पर हद तो जाट ही है अब कहना है कोशिश करना बाबा अरे बंस डूब गया है दो उनको बंस डूब गया है दो उनको बंस डूब गया है दो उनको अरे छोटी छोटी बातों को कांगई मुरावारी अरे छोटी छोटी बातों को नए अर्थों में सजा देता हूँ अरे देखने ही में पौआ जैसा हूं पर मेरी चांद पूरी बोतल का मजा देता हूं अरे बंस डूब गया है दोनों को मर गए दोनों भाई बंस डूब गया है दोनों को मर गए दोनों भाई और सीताराम बाबा अरे बे औलाद ही उन दोनों की बे औलाद ही उन दोनों की है गई राण लुगाई है गई राण लुगाई अरे है गई राण लुगाई भैया है गई राण लुगाई बे औलाद उन दोनों की है गई राण लुगाई है गई राण लुगाई कोशिश करना बाबा दो भाई हैं एक को भगवान ने मार दिया है और एक ने खुद आत्महत्या कर ली है लड़ा के लाना कहना है श्री मामा एरे इनको लग गई है एरे अरे एरे इनको लग गई है अरे तो झूठ बोल रहे हो जाते
ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय श्री मामा की तरफ से, और कहना है ओम मीर भाई, अरे दौड़ते पैर कभी रुक नहीं सकते अरविंद भैया, अरे दौड़ते पैर कभी रुक नहीं सकते, कुछ कर्ज दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो कभी चुक नहीं सकते, अरे पी के मधुआ की बगिया में कुछ पेड़ ऐसे भी है ओम मीर भाई, जो टूट तो सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। सज्जनों रसियाबाजी हम देखिए बड़े बुरे है आए, लेकिन इतने शब्द रसियाबाज दुनिया के देखे हमन जीवन गुजरेगा, लेकिन मधुआ के आर पार कोई रोकने वाला नहीं है, और मधुआ को पूरे रसियाबाद भीतर से हार गए, वाकई शब्दों में ये शब्दों की लड़ाई है। और सज्जनों ये कह रहे हैं कि कालिया मारियो नाथियो नाथ के भाई और इतने छुड़वायो है, अगर हर कमेटी में ऐसे मिल जाए कि जवाब गलत है तो जवाब चलो कहना है ओम वीर भाई, पी के मधुआ दूध ने पनिया, पी के मधुआ दूध ने पनिया, पी के मधुआ दूध ने पनिया काए, अरे बंसी भैया बुलवाओ, कहना है देख, अरे पी के मधुआ दूध ने पनिया मत समझ सपरेता, पी के मधुआ दूध ने पनिया मत समझे सपरेता, और दे कुल यूपी में हल्ला है गयो, कुल यूपी में हल्ला है गयो, मैनपुरी और एटा, मैनपुरी और एटा, अरे मैनपुरी और एटा भैया, मैनपुरी और एटा, कुल यूपी में हल्ला है गयो, मैनपुरी और एटा, एरे मेरे रसिया की एरे, एरे मेरे रसिया की अम्बे, मेरे रसिया की मेरे भैया, मेरे रसिया की एरे मेरे रसिया की तू लेना है पायो था, अरे तो बोले झूठ जान दे, एक टुकड़ा रखूंगा ओम वीर भाई के लिए, और उसके बाद एक हमारे आदरणीय फौजी भैया आए थे, और वास्तव में हमें गर्व है उन फौजियों पे, एक गीत पुलवामा क्या अभी होगा, अब होगा, अब अच्छा लगेगा, पहले नंबर पे नहीं था अच्छा, कोशिश करूंगा। और मां साहब एक धुन लगाओ पहले, जो बीच बजरिया तूने मेरी पकड़ी भैया कसम से, अरे क्यों पीछे बजरिया सारे गा मा बा मा गा मा रे गा मा बा बा मा गा मा मा बा सा, सारे गा मा रे गा मा बा मा गा मा सारे गा मा रे गा मा बा बा सारे गा मा रे गा मा बा बा नि सा सारे गा मा मा बा रे गा मा, ए पीछे बजरिया सुने मुरई वालू निकाल लियो दारी जीवल भेड़ के बाहर निकल पड़ी बेटा, फिर लगाइयो जाइए आ लगाइयो आइयो जवाब भाई बन नहीं है तो सा 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 सारे गा मा मा पा मा पा मा पा सारे गा मा मा पा मा पा मा पा सारे गा मा रे गा मा पा गा मा गा मा पा रे सा सारे गा मा रे गा मा मा गा मा पा रे सा सारे गा मा रे गा मा पा सारे गा मा रे गा मा मा रे गा मा मा पा गा मा मा पा गा मा पा मा गा रे सा सारे गा मा पा पा गा क्यों, अरे क्यों पीछे बजरिया तूने मेरी पकड़ी भैया, कहां गई ये देख बेटा
यार अच्छी अच्छी ना रुकती तो ज्यादा आरी की औकात का है कहना है। अरे क्यों पहले के जमाने में हमारे बड़े बूढ़े ढोला बड़े प्यार से सुना करते थे, आशा सुनते ना सुनते तो देख देख जे खबर ना मेरी सेना की रे खबर ना। ए बेटा जा नंबर पे ना सही लग रहा है, सवेरे पे करवाएंगे जाए बात ढोला हूं तो सवेरे पे है जानू है जानू भैया वो तेरी जेब चाहिए। कलाकार उसको ही कहते हैं हमारे मां सब आ रहे बेटी तेरे कमला सर का मैं ऐसा ना नंगीना शाबाश क्यों। अरे क्यों पीछे बजरिया क्यों पीछे बजरिया तूने मेरी पकड़ी भैया क्यों पीछे बजरिया तूने मेरी पकड़ी भैया तो सर को बोल दूंगी भैया फरमाश आ रही ढोला की तो देख कहना है बेटा। अरे ना वो सबाबो है ना वो उमंग है जवानी में और हमने सुनी थी वो दम नहीं है तेरी कहानी में और देख। अरे जब मुकाबला मुकाबला होता है गाल बजाने से नहीं होता है, तुम दोनों बातों में से एक भी नहीं लड़ा के यार क्या ओमवीर शर्मा हो तुम काहे के रसिया बाज हो। अरे जब मुकाबला मुकाबले की तरह नहीं लड़ सकता तो जाके कहीं डूब मर जा चुल्लू भरे है ना। हाँ सर इन ताउन के तरफ बड़ो ध्यान दे रही वो वालिया बेटी के सगर पारे से मौकी जे मो इन बाबा की नजर में जे मो इन बाबा सुने मेरी जान लौड़ा राख तू बहुत ठोस दमदार हो दारी टांके लगेंगे नहीं दो में कहना बाबा की नजर में और कोई लग रहे हो सो खोट और तेरी जा ठुमकाए और चाले देख के मेरे बाबा ये दिखाए रे दस को। तो बेटा जऊ में कोई घाटो ना सुने आदमी की घोषण के बांधने ना कोई 2 रुपया किलो ले रहो पर बैयर की तो बेटा जो 12 चांद के 2000 रुपया किलो ले रहे देख। ये सायर तेरी सायरी और हम एक पल में भुला देंगे ये तेरी सायरी और हम एक पल में भुला देंगे मारे ठोकर इलम की सगम रे गम गम बम बम गग रे गम ये सायर तेरी सायरी और हम एक पल में भुला देंगे क्या ये मारी ठोकर इलम की और तुझे गेंद सा उला देंगे और अभी तो रात बाकी है मेरी जान और हम तेरे फेफड़े फुला दे। अब देख सुने हम तो बहुत दिलवाले हैं अरविंद भैया। अरे अमीरे शहर से ऊंचा बकार रखता हूँ
करीब हूँ मगर दिल मालदार। वाह, अरे वक्त मिले, वक्त मिले तुझे तो चुका देना मेरे कर्जे वफा, जा तुझ पे अपनी मोहब्बत उधार रखता हूँ। देख कहना है, अरे जो बीच बजरिया हो, अरे क्यों बीच बजरिया है। देख अब सुने, तू कह रही का जनता जीवन भर याद रखे, तो जनता राखे चाहे ना राखे, परंतु तू एक साल तक जरूर याद रखी। कहना है देख, अरे तेरी रण में, तेरी रण में बच्चा वे जान चली है चाल बेढंगी, उखारो सत को खम्मा, उतारो सत को खम्मा। अरे तेरी रण में बच्चा वे चाल चली है ये बेढंगी, उखारो सत को खम्मा। और देख, अरे तेरे खास बाप ने, जा तेरे खास बाप ने मेरे आगे करके नंगी। देख, तेरे खास बाप ने जी मेरे सारे गम रे गम बा गम गम परि रे गम बा बा गम बा 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 नी सा गम बा बा सारी सा। अरे तेरे खास बाप ने करके नंगी। देख और सुने, अरे हम तो ऐसे दीवाने हैं जो खिलती सुबह को शाम बना देंगे, तेरे छोटे छोटे मौसमियों को मसल कर बड़े कलमी आम बना देंगे, और कभी रहकर तो देख मेरे राय में तेरी इस छोटी सी दुकान को बड़ा गोदाम। अरे तेरी रण में बच्चा वे जान चली है चाल बेढंगी, उखारो सत को खम्मा। अबे जा तेरे खास बाप ने, जा तेरे खास बाप ने मेरे आगे करके नंगी, जा तेरे खास बाप ने मेरे आगे करके नंगी, भेज दई तेरी अम्मा। खास बाप ने मेरे आगे करके नंगी, भेज दई तेरे बाप ने। वो कौन शख्स है जिसने अपनी घरवाली को रण में नंगा करके, नंगी करके भेजा है? तो देख, जब तेरे खास बाप ने, जब तेरे खास बाप ने लल्लू न माँ ऊपर गल्ला लाला लड़ाई है रही है, जन्म तो लड़ाई है रही है। जब तेरे खास बाप ने मेरे आगे करके नंगी, भेज दई तेरी अम्मा। या खास बाप ने करके आगे मेरे नंगी, भेज दई अपनी अम्मा। और एक गीत पुलवामा का बहुत देर से फरमाइश हो रही है, और उसके बाद एक टुकड़ा मैं अपने बच्चे का सुनवाऊंगा। और माँ साहब गीत बजाओ, खुशी का है मौका, और मगर क्या करूं। आ
तो लिखा है फिल्म दुनिया वालों ने, खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं, खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं, नहीं मेरी कोई खुशी का ठिकाना, नहीं कोई मेरी खुशी का ठिकाना, मेरे आंसुओं से किलो मुस्कुराना, मेरे अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे देश के 42 हकीकत बात है, भगवान मदद करते मानता हूं, पर हकीकत में जो भगवान हैं हमारे, वो उन जवान हैं वो जो अपने परिवार को, अपने घर वालों को, माँ के प्यार को, पत्नी के श्रृंगार को, सबको छोड़कर हम तुम्हारी रक्षा के लिए वहाँ सरहद पर अपनी जान देते हैं। हकीकत में भगवान वो हैं, और एक बार निवेदन करूँगा, सभी जोरदार तालियों के साथ उनको सलामी जरूर देंगे। अगर एक जवान शहीद होता है तो क्या उसके परिवार पर क्या गुजरती है, कहना है। देख कहना है, एक बाप से जब पूछा गया, एक संजय राजपूत नाम का जवान था, और बड़े भैया उसका सिर्फ एक किलो यानी 2 किलो नेट पर मैंने पढ़ा था, सिर्फ मांस का टुकड़ा आया, उसका शरीर भी नहीं आया, तो सोचिए उन माँ बापों का हाल क्या हुआ होगा। तो कहना है, देख कहना है, सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, अरे सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्ने नौने हालों की लंगोटिया चली गई, अरे सुख भरपूर गया, अरे सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, और नन्ने नौले हालों की लंगोटियां चली गई। 21 दिन का बच्चा छोड़ के गया एक फौजी, सिर्फ 21 दिन का, तो अरे नन्ने नौले हालों की लंगोटियां चली गई, अरे बाप की दबाई गई। एक जवान शहीद होता है तो उस परिवार का क्या हाल होता है, अरे बाप की दबाई गई, भैया की पढ़ाई गई। एक जवान शहीद होता है तो एक परिवार पूरा खत्म हो जाता है, अरे बाप की दबाई गई, भैया की पढ़ाई गई, और छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। और देख जब कर्नल राय की बच्ची, 9 साल की बच्ची अपने पिता को सलूट मारकर चिता में अग्नि देती है, तो सोचो क्या हुआ, तो हुआ विस्फोट, ये दे गया चोट, ये सारे ही जिस्म की ये बोटियां चली गई, अरे हुआ विस्फोट जो दे गया चोट दो, और सारे ही जिस्म की बोटियां चली गई। और वो बाप की अगर बात आई में सही लग जाए बात उस पिता की, अरे सारे ही जिस्म की ये बोटियां चली गई। देख वो जवान का पिता कह रहा है, जो सबूत मांगते हैं कि करके आए कि ना करके आए, तो कहना है, देख वो पिता कहने लगा, अरे सारे ही जिस्म की ये बोटियां चली गई, और देख अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे तो घर की ये रोटियां चली गई, अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है सब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। और सीधा सवाल उसने किया, मोदी जी अरे किसका खून नहीं खोलेगा, अखबार भी पढ़ते हो आप, न्यूज भी देखते हो, तो
अरे किसका खून नहीं खोलेगा पढ़ सुन के अखबारों में, किसका खून नहीं खोलेगा पढ़ सुन के अखबारों को। और मोदी जी ये क्या 370 और 35 है, इन कुत्तों की रखवाली के लिए हम अपने बेटों को देते हैं, मजदूर किसान अपने बेटों को देते हैं कश्मीरी की रक्षा के लिए, जब इन पे आपदा आती है तो हम पैसे देते हैं और यही लोग अरे पढ़ सुन के अखबारों में। और अरे अरे शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में, अरे शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। वो पिता कह रहा है कुर्बान वतन पे हो गया और मेरे बेटा तुझ पे नाज, और अब ये कुर्बान वतन पे हो गया और मेरे बेटा तुझ पे नाज, अरे ओढ़ बदन पे सो गया तिरंगे में तू आज, अरे ओढ़ बदन में सो गया और तिरंगे में तू आ। कहते हैं कि हर बच्चा अपने माँ बाप को नमन करता है पैर छूता है, पर वो बाप जब बेटा की पार्थिव शरीर बेटे का आया तिरंगे में लिपटा हुआ तो वो बाप कह रहा है बेटा देख, अरे अरे बेटा तोरे मुझको देख, अरे बेटा मेरे तुझको सौ सौ नमन है, बेटा मेरे तुझको सौ सौ नमन है, बेटा मेरे तुझको सौ सौ नमन है। और वो नमन क्यों है अरविंद भैया, अरे कर्ज तूने मेरे कर्ज तूने मेरे लहू का चुकाया, अरे कर्ज तूने मेरे कर्ज तूने मेरे लहू का चुकाया। कहते हैं कि हर बेटा अपने माँ बाप को नमन करता है, पर वो धन्य है जवान कि उनको आज खुद का बाप नमन कर रहा है। और ये देश कुछ कुत्ते ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, कुछ कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, कुछ कहते हैं घर घर से अफजल निकलेगा। अरे बंसी भैया, अरे जब घर घर से अफजल निकल सकता है तो क्या उन कुत्तों को ये बताइए घर घर से भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस अशफाक उल्लाह खान ही निकल सकते हैं। अरे ये वो देश है जहाँ पर झांसी वाली रानी जैसी स्त्री हुई है तो झांसी वाली रानी जैसी हुई है, तो कहना देख, अरे कर्ज तूने मेरे कर्ज तूने मेरे लहू का चुकाया, कर्ज तूने मेरे लहू का चुकाया। और देखो मैं हूं भारतवासी और उनके नमन में उनकी सलामी में जितना हो सके अगर लाइन अच्छी लगे तो सबकी ताली चाहता हूँ, रात भर आपने ताली बजाई अटका फटका पे, सबकी ताली चाहता हूँ उनको सलामी के। अरे कर्ज तूने मेरे लहू का चुकाया, अरे कर्ज तूने मेरे कर्ज तूने मेरे कर्ज तूने मेरे लहू का चुकाया, और बेटा लिपट कर तिरंगे में लिपट कर तिरंगे में बदन तेरा, लिपट कर तिरंगे में बदन तेरा आया, लिपट कर तिरंगे में बदन तेरा आया। सबूया और ये स्वागत का पुरस्कार 100 रुपए का पुरस्कार हमारे छोटे भाई हैं, छोटे भाई गुबरारी से ही हैं,
सोनी भाई आशीर्वाद की कामना करूंगा और 50 रुपए का पुरस्कार हमारे प्रधान जी की तरफ से। एक बात समझिया, हर एक भारतवासी के मुख से बिना बोले बात निकलती है, वो क्या है कि मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, कि मर जाऊंगा मिट जाऊंगा पर अपना निभाऊंगा धर्म। हर एक भारतवासी सीमा पर होता है उसके मुख से एक जमा कि मर जाऊंगा मिट जाऊंगा और अपना निभाऊंगा धर्म, और मरते दम तक निकलेगा मुख से बंदे मातरम। और एक बार सभी बोलेंगे अगर वाकई में हिंदुस्तानी है सच्चे, बोल भारत माता की जय। और एक बार भैया रिकॉर्डिंग वाले भैया जनता की तरफ करो और मैं जयकारा बुलवाऊंगा, कम से कम इसको दुनिया देखेगी, यूट्यूब पे प्रोग्राम जा रहा है, जनता की तरफ करो और एक बार सभी बोलोगे जनता की तरफ करो, बोल भारत माता की जय। और वो इमरान कहता है बम की धमकी देता है, अरे हाथों गीदड़ों के, अरे गीदड़ों के हाथों कभी चीते मरा नहीं करते, और हर दम बम बम कहते ना बम बम बोले, अरे हर दम बम बम कहने वाले कभी बम से डरा नहीं करते। ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय बाबूजी की तरफ से आशीर्वाद की कामना करूंगा। और ये फौजी हैं, इनके लिए जोरदार तालियां, ये देश के रक्षक हैं। अब एक बाप की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है ये वो बाप ही जानता होगा, तो कहना है देख, अरे बेटा मेरे तुझको, बेटा मेरे तुझको 100 100 नमन है, कर्ज तूने मेरे, कर्ज तूने मेरे लहू का चुकाया, लिपट कर तिरंगे में बदल तेरा आया, लिपट कर तिरंगे में बदल तेरा आया। अब जो वो बोलते हैं लोग के भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, अगर आज्ञा मिले तो एक लाइन उनके लिए भी हो जाए। जो कुत्ते बोलते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, अरे हमारे देश का खाकर जिस थाली में खाते हैं कुत्ते उसी में छेद करते हैं, तो कहना है देख, जिस दिन हर हिंदुस्तानी जब ये शंकर बन के डोलेगा, कि जिस दिन हर हिंदुस्तानी जब और शंकर बन कर डोलेगा, और शंकर बन के डोलेगा, 100 रुपए का पुरस्कार भैया जी की तरफ से आशीर्वाद की कामना करूंगा। देख, अरे शंकर बन के डोलेगा, और देख, अरे प्यारी तो चलती का है प्यारे अब्बू, इस भारत माता की जय बोलेगा। देख अब कहना है अरविंद भैया, देख, अरे गर्व है ललन मुझको, 5 मिनट और लूंगा क्योंकि ये गीत ऐसा है, इसको मत रुकवाओ बीच में। अरे गर्व है ललन तेरी शहादत पे मुझको, गर्व है ललन तेरी शहादत पे मुझको, गर्व है ललन तेरी शहादत पे मुझको। उन माँ बाप को हकीकत बात है बार बार सलाम करता है शंभू बागड़े, जो माँ बाप अरे गर्व है ललन तेरी शहादत पे मुझको, और दे अरे करता सलाम सारा, दे करता सलाम सारा ये देश तुझको, करता सलाम सारा भारत है तुझको, करता सलाम सारा भारत है तुझको। और देख,
अरे धन्य है वो मैया जिसने, धन्य है वो मैया जिसने सुत ऐसा जाया, धन्य है वो मैया जिसने, धन्य है वो मैया जिसने सुत ऐसा जाया। और दूसरा टुकड़ा, एक राजस्थान का मुकुल मीणा नाम का जवान शहीद हुआ सीआरपीएफ के जवानों में, तो उसकी माँ से जब पूछा गया, प्रेस वाले पहुंचे, तो वो माँ भर्राई हुई आवाज में कह रही है, जब तक सूरज चांद रहेंगे और मुकुल तेरा नाम रहेगा। वो भर्राई हुई आवाज में माँ कह रही है, तो सोचो कहना है, देख कहना, जब तक रहेंगे जहां में, अरे जब तक रहेंगे जहां में चांद और तारे, जब तक रहेंगे जहां में चांद और तारे, जब तक रहेंगे जहां में चांद और तारे, और अरे अमर हो गया मर के, अरे अमर हो गया मर के लाल तू हमारे, अमर हो गया मर के लाल तू हमारे, अमर हो गया मर के लाल तू हमारे। और सीताराम बाबा, गुरुदेव, राजा, राजा बेटा पीछे हटना, गुरुदेव कहना है, वो बाप की प्रतिक्रिया पेश कर रहा हूँ, कोई पाकिस्तान से लड़ रहा है, कोई कुछ कह रहा है, पर किसी ने रसियाबाजी में एक बाप का दुख क्या होता है मैया का भी सुना दिया है, पर हकीकत बाप का भी खून होता है बेटा। तो कहना है, देख, कहने लगा वो बाप, देख, अरे बहादुर का बेटा, देख बहादुर का बेटा, बहादुर का बेटा, बहादुर कहाया, बहादुर का बेटा, बहादुर का बेटा, बहादुर कहाया। और देख, अरे लिपट कर तिरंगे में बदन तेरा आया, लिपट कर तिरंगे में बदन तेरा आया। लास्ट टुकड़ा है मेरे गीत का, कहना है, अरे वतन के लिए तूने, अरे वतन के लिए तूने बलिदान दिया, वतन के लिए तूने बलिदान दिया, वतन के लिए तूने बलिदान दिया। और देख, अरे मातृभूमि का नाम, अरे मातृभूमि का नाम ऊंचा है किया, मातृभूमि का नाम ऊंचा है किया, मातृभूमि का नाम ऊंचा है किया। और गुरुदेव कहना है, अरे अरे फर्ज तूने अपनी, फर्ज तूने अपनी वर्दी का निभाया, फर्ज तूने अपनी वर्दी का निभाया, देख अरे कर्ज तूने मेरे, कर्ज तूने मेरे लहू का चुकाया, और लिपट कर तिरंगे में बदन तेरे।